दोस्तों ड्रामा सीरियल अर्तुगरल गाजी जिसने भी एक बार स्टार्ट कर लिया वो इसे पूरा देखे बिना न रह सका। लोगों ने इस ड्रामा के लिए अपनी नींदें भी कुर्बान कर दी और इसके हर करैक्टर को दिलो जान से पसंद करना शुरू कर दिया। मगर कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिन्हें लोग बार बार देखना चाहते हैं, जिनमें से एक नाम सुलेमान शाह का भी आता है। ये करैक्टर लोगों के दिलो दिमाग में अहम जगह बना चुका है। तो दोस्तों इसी के पेश नज़र आज की इस वीडियो में आपको सुलेमान शाह की असली तारीख बताएंगे कि आखिर वो कौन थे, उनका मजार एक जगह से दूसरी जगह क्यों शिफ्ट किया गया और उन्होंने हकीकत में अपनी जिंदगी कैसे गुजारी थी। तो चलिए इस अजीम लीडर के बारे में जानते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सरदारों के सरदार सुलेमान शाह की जिंदगी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। मुसलमानों के इस सरदार के लिए अपने अबाओ अजदाद की रवायात और इस्लाम ही सब कुछ था। ये कहानी एक ऐसे लीडर की है जिसने अपने बाप दादा की रवायात और उनकी पाकिजगी को सलामत रखने के लिए अपनी जान की भी परवाह न की। इस्लाम की बका को सलामत रखने वाले इस सरदार के लिए इस्लाम का परचम ही सबसे ऊपर था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की। दोस्तों सुलेमान शाह काई कबीले के सरदार होने के साथ साथ अर्तुगरल गाजी के बाबा और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान अवल के दादा थे। इन्होंने अल्लाह के अहकामात को हर चीज पे फोकियत देते हुए हमेशा इस्लाम के अहकामात की हिफाजत की। इन्होंने ना तो कभी दुश्मनों को खुद पे गालिब आने दिया और ना ही कभी अपने नफ्स को खुद को काबू करने दिया। दोस्तों 13वीं सदी के शुरू में शाहान ख्वारज्म की कुव्वत अपनी शौकत के साथ जगमगा रही थी। वो लोग मुसलमानों का सिरे से ही खात्मा करने के लिए वस्ती एशिया में मौजूद तमाम इस्लामी मुमालिक का खात्मा करते जा रहे थे और वो एशिया में से इस्लाम का हमेशा के लिए खात्मा करके अपनी रियासतें कायम करना चाहते थे। लेकिन जब उनका ये भयानक ख्वाब पूरा होने ही वाला था तो चंगेज खान नाम के एक तूफान ने इनके ख्वाबों पे पानी फेर दिया। लिहाजा जब चंगेज खान ने इन इलाकों पे हमला किया तो तमाम तुर्क कबाइल वहाँ से भागना शुरू हो गए। उन भागने वालों में से कुछ कबीले इराक की तरफ चले गए और कुछ कबीले वस्त एशिया यानी के अनातोलिया की तरफ चले गए और उन्हीं कबीलों में से एक कबीले का नाम काई कबीला था और उसी काई कबीले के सरदार का नाम सुलेमान शाह था। 13वीं सदी के आगाज में हजरत सुलेमान शाह अपने कबीले के साथ हिजरत करके ईरान की तरफ आ गए और फिर ईरान से अनातोलिया की तरफ अपने कबीले के साथ हिजरत कर गए, क्योंकि सुलेमान शाह अपने कबीले को एक ऐसी जगह आबाद करना चाहते थे जहां पे मुस्लिम रियासत कायम की जा सके, जहां पे मंगोलों के साथ साथ कोई भी दुश्मन पहुंच ना सके और ये कबीला हर तरह के खतरे से महफूज रह सके। दोस्तों जिस जमाने में सुलेमान शाह और उनके कबीले के लोग अनातोलिया के शहर अखलात में आबाद थे, उस वक्त उन्होंने बहुत से अहम काम अंजाम दिए। इस्लाम की बका के लिए ये ऐसे इकदाम थे जिनको तारीख आज तक नहीं भुला सकी। उन कामों में से एक काम ये भी था कि उस अखलात नामी शहर में कुछ ऐसे इस्लाम दुश्मन ईसाई भी आबाद हो गए थे जो डाका जनी करते थे, जो वहाँ के गैर मुसलमों के साथ साथ मुसलमानों को भी काफी परेशान करते थे। लिहाजा सुलेमान शाह ने अपने कबीले के बहादुर जंगजुओं के साथ उन शर पसंदों को शिकस्त दी और उनका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया और उसी दिन से अर्तुगरल गाजी के हर तरफ चर्चे होना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों की ईंट से ईंट बजा दी थी जिनसे हर कोई डरता था। दोस्तों फिर इन मुसलमानों पे एक वक्त ऐसा भी आया जब अखलात शहर पे मौसम की सख्तियां आने लगी तो काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह ने अपने कबीले के लोगों के साथ शाम के शहर हलब की तरफ रुख कर लिया। लेकिन जिसने भी अर्तुगरल गाजी ड्रामा सीरियल देखा है वो ये जरूर जानता होगा कि हलब में भी इनका कयाम मुमकिन ना हो सका और इसी वजह से ये कबीला कभी इस तरफ हिजरत कर रहा था तो कभी उस तरफ और किसी भी जगह ये आसानी से कयाम नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों हिजरतों का ये सिलसिला जारी ही था कि अचानक सुलेमान शाह की एक दरिया में डूबने की वजह से वफात हो गई और उस वफात के बाद सुलेमान शाह के जिस्म को दरिया के पास ही दफन कर दिया गया। कहा जाता है कि जिस दरिया में सुलेमान शाह की डूब के वफात वाकया हुई थी उस दरिया का नाम दरियाए फुरात है, मगर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि
सुलेमान शाह की मौत दरिया में डूबने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो इस दरिया में गुसल कर रहे थे जब गुसल करने के दौरान वो वफात पा गए। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि सुलेमान शाह की मौत दरिया को पार करते हुए गिरकर डूबने की वजह से हुई थी। दोस्तों, सुलेमान शाह का मजार दरियाए फुरात के किनारे यानी के शाम में ही मौजूद है। लिहाजा जब तक 1923 का मुआयदा नहीं हुआ था, उससे पहले तक तुर्की हुकूमत को उनके मजार पर तुर्क परचम और वहां पर अपने नुमाइंदे खड़े करने की इजाजत हासिल थी। लेकिन जिस दिन खिलाफते उस्मानिया का खात्मा किया गया और 1923 में जो मुआयदा हुआ, उसके बाद मुल्क शाम में जंग शुरू हो गई थी और इसी वजह से पूरे शाम में काफी हालात खराब हो चुके थे और हत्ता के नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि 2015 में सुलेमान शाह के मजार को शाम से तुर्की में मुंतकिल करना पड़ा। तुर्की हुकूमत ने ये फैसला बड़ा सोच समझ के लिया और आखिरकार इनके मजार को तुर्की में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, अक्सर ऐसा नामुमकिन है कि किसी के मजार को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके, लेकिन सुलेमान शाह के केस में ऐसा हो चुका है और आज जो भी मुसलमान तुर्की का रुख करता है, वो इस बहादुर सरदार के मजार पर हाजिरी देना नहीं भूलता। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।